हे क्लास 8, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम आज एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। यहाँ हमें एक अनसीन पैसेज दिख रहा है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स इसी पैसेज में छुपे हुए हैं, तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। नीम इज़ अ टॉल एवरग्रीन ट्री विथ स्मॉल ब्राइट ग्रीन लीव्स। नीम का पेड़ तो हम सब ने देखा है, वो काफ़ी टॉल होता है, एवरग्रीन ट्री होती है वो, यानी कि उसके सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते। विथ स्मॉल ब्राइट ग्रीन लीव्स, और उसके लीव्स तो हम सब ने देखे हैं, छोटे होते हैं और ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रेट ट्रंक, उसका जो तना होता है, ट्रंक होता है, वो लंबा होता है, जो स्टेम का पार्ट होता है। इट्स बार्क इज़ हार्ड रफ एंड स्केली, उसकी बार्क जो है छूने में हार्ड और रफ होती है और देखने में स्केली होती है। इट ब्लॉसम्स इन स्प्रिंग विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो उसमें छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। The tree is never bare as all its leaves do not fall at the same time. जो tree होती है वो कभी भी पूरी तरीके से bare नहीं होती, हमेशा उसमें leaves रहते ही हैं। It is found throughout India. इंडिया में कहीं भी आप जाएंगे नीम का tree आपको दिख ही जाएगा। The Sanskrit name of neem is Arisht, meaning the reliever of sickness. जो संस्कृत नाम होता है नीम tree का, उसका नाम है अरिष्ट और उसका मतलब होता है कि रिलीवर ऑफ सिकनेस, यानी हर एक सिकनेस से लड़ने और उससे रिलीफ देने के लिए वो हेल्प करता है। यानी कि मेडिसिन बनाने में नीम ट्री का बहुत यूज़ होता है, हर तरह के मेडिसिन नीम ट्री से बनते हैं, नीम के लीव से, अलग अलग पार्ट से। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज अ मिरेकल ट्री, इसलिए इसे मिरेकल ट्री कहते हैं, यानी चमत्कारी ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईच पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, नीम ट्री का हर एक पार्ट मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ज़रा देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स। नीम का जो ऑयल होता है कॉल्ड मार्गोसा ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड्स एंड इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी एंड स्किन डिजीजेस। नीम का ऑयल, जिसे मार्गोसा ऑयल भी कहते हैं, वो उसके सीड्स से निकाला जाता है, सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका काम क्या होता है, किस चीज़ की ट्रीटमेंट होती है, लेप्रेसी की और सभी तरह के स्किन डिजीजेस की। इट्स लीव्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। नीम टी इज़ यूजुअली टेकन टू रिलीव हेडेक एंड फीवर, और अगर हेडेक और फीवर हो तो नीम टी भी पिया जाता है। इट्स फ्लावर्स आर यूज टू क्योर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, अगर इंटेस्टाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके फ्लावर्स का उपयोग किया जाता है। नीम बार्क एंड गम ऑल्सो यील्ड वैल्यूएबल मेडिसिन्स, और नीम के बार्क और गम से भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। पीपल इन इंडिया यूज नीम ट्विक्स टू ब्रश देयर टीथ, दातून तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी जगहों पर लोग नीम के दातून इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों को ब्रश करने के लिए। Dried neem leaves are put in drawers and cupboards to keep out moths and cockroaches. यानी moths, cockroaches basically insects से बचने के लिए, या drawers और cupboards में insects ना हो जाएं, उससे बचने के लिए नीम के dried leaves को उसमें रखा जाता है, जिससे कि insects दूर रहते हैं। Neem is widely used as a fertilizer for sugar cane and vegetables. अब देखिए sugar cane और vegetables के लिए fertilizers की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। Some people consider the neem tree sacred. इंडिया में तो नीम ट्री को बहुत sacred मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। And tie its leaves at the entrance of their houses to keep evil spirits at bay. Okay, नीम के जो leaves होते हैं उनको हम अपनी entrance पे लगाते हैं, बहुत सारे houses में लगाया जाता है entrance पे, ताकि किसी तरह का evil spirit हमारे आसपास ना आए, negativity ना आए हमारे आसपास। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नज़र से बचाता है, तो बहुत सारी धारणाएं हैं। न्यूली बॉर्न बेबीज़ आर लेड अपॉन द नीम लीव्स फॉर गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। छोटे बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको बिस्तर पे नीम लीव्स बिछाकर उनको उस पर लिटाया जाता है ताकि उन्हें गुड हेल्थ मिले और किसी भी तरीके के डिजीज़ेस से वो बचें। नो डाउट नीम इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वंडर ट्री बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में नीम ट्री को एक वंडर ट्री के तरह माना जाता है। लोग उसे वंडर ट्री कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि नीम ट्री के बहुत सारे उपयोग हैं और स्पेशली मेडिसिन्स में नीम ट्री का बहुत वैल्यू है। बहुत सारे मेडिसिन्स उससे बनाए जाते हैं। अब देखिए, हमने पैसेज तो पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, जो हमें बेसिकली जिसके आंसर्स हमें पैसेज से ढूंढना है। तो जब भी हम हमें कोई अनसीन पैसेज मिलता है तो सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है, फिर हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और वापस हमें पैसेज को पढ़ना है ताकि हम सही आंसर उसमें से निकाल सकें। तो पहला क्वेश्चन है द बार्क ऑफ नीम ट्री इज़। नीम ट्री का बार्क कैसा होता है? इसके चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। स्मूथ एंड ग्रीन, रफ एंड स्केली, सॉफ्ट एंड स्केली, हार्ड एंड ग्रीन। तो हमने क्या पढ़ा था वो हम यहाँ पर वापस से देखेंगे। ट्री का जो बार्क होता है, इट्स बार्क इज़ हार्ड, रफ एंड स्केली, है ना। हार्ड, रफ एंड स्केली, यानी आंसर क्या होना चाहिए? स्मूथ एंड ग्रीन तो नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? रफ एंड स्केली, क्योंकि सॉफ्ट एंड स्केली भी नहीं है, हार्ड एंड ग्रीन भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज रफ एंड स्केली। ओके, नाउ नीम फ्लावर्स आर बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग। नीम फ्लावर्स का इस्तेमाल किस बीमारी के में किया जाता है? कौन सी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? क्या स्किन डिजीज़ेस के लिए, क्या चिकन पॉक्स के लिए, क्या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर फीवर में? किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? तो ज़रा हमको ये देखना पड़ेगा। ये शायद हमने सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि नीम के जो लीव्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं, नीम के जो फ्लावर्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, ये हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, इट्स फ्लावर्स आर यूज टू क्योर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो अब ऑप्शन देखिए, क्या इसमें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स का ऑप्शन है? है, तो आंसर है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। ओके, तो नेक्स्ट इज ड्राइड लीव्स आर पुट इन कबर्ड्स टू। ड्राइड लीव्स को कबर्ड में हम क्यों रखते हैं? ठीक है, क्या हमें लिजर्ड्स और एंट्स को हटाना होता है तब करते हैं, या फिर इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, या फिर क्लोथ्स की शाइन को बनाए रखने के लिए, या फिर क्लोथ्स को क्लीन, या फिर कबर्ड और कबर्ड्स को क्लीन रखने के लिए? किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ये भी हमने पढ़ा था। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था? ड्राइड नीम लीव्स आर पुट इन ड्रॉज एंड कबर्ड्स टू कीप आउट मॉथ्स एंड कॉकरोचेस, है ना। मॉथ्स और कॉकरोचेस से बचाने के लिए, कबर्ड्स में मॉथ्स और कॉकरोचेस ना हो जाए उसके लिए हम ड्राइड लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली लिजर्ड्स और एंट्स के लिए तो नहीं करते। कीप अवे इंसेक्ट्स, मॉथ्स और कॉकरोचेस क्या हैं? इंसेक्ट्स ही हैं, तो हम इंसेक्ट्स वाला पोर्शन जो है, ऑप्शन जो है उसको चुनेंगे, क्योंकि क्लोथ्स की शाइन भी बचाता नहीं है वो, और उन्हें क्लीन रखने का भी हमें जानकारी यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो हमारे पास जानकारी क्या थी कि कीप अवे इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को दूर रखता है। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या क्वेश्चन हमारा क्या है? सम पीपल टाई द लीव्स ऑफ नीम एट द एंट्रेंस ऑफ देयर हाउसेस। ठीक है, कुछ लोग नीम के जो लीव्स होते हैं उनको अपने हाउसेस के एंट्रेंस पे टाई करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये भी हमने पढ़ा था, टू कीप ऑफ इविल स्पिरिट्स, टू कीप अवे मॉथ्स, टू डेकोरेट देयर हाउसेस, टू रिलीव सिकनेस। अगर हाउस के एंट्रेंस पे नीम लीव्स लगाए जाएं तो क्यों लगाते हैं लोग? क्या वो ईवल स्पिरिट्स को दूर रखना चाहते हैं, या फिर वो मॉथ्स को दूर रखना चाहते हैं, या फिर वो अपने हाउसेस को डेकोरेट करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, या फिर सिकनेस को दूर रखना चाहते हैं? तो जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? टू कीप ऑफ ईवल स्पिरिट्स, यानी ईवल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए। ऐसी मान्यता है कि अगर हाउस के एंट्रेंस पे नीम के लीव्स को रखा जाएगा, टाई किया जाएगा, तो ईवल स्पिरिट्स दूर रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा है? इस पैसेज के अनुसार ही हमने ये आंसर दिया है। नीम इज़ कॉल्ड अ वंडर ट्री बिकॉज, ये तो हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि पूरा वर्ल्ड नीम को एक वंडर ट्री मानता है। क्यों मानता है? इट्स ट्विक्स आर यूज फॉर ब्रशिंग टीथ, इसलिए क्योंकि इक्स होते हैं उनको टीथ ब्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा तो नहीं लगता। इट इज़ अ यूजफुल फर्टिलाइज़र, क्या ये एक फर्टिलाइज़र है इसलिए इसे वंडर ट्री मानते हैं। इट प्रोटेक्ट्स न्यूली बॉर्न बेबीज़, क्या ये न्यूली बॉर्न बेबीज़ को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है डिजीज़ेस से इसलिए, या फिर ईच पार्ट ऑफ द ट्री इज़ यूजफुल। पूरी दुनिया इसे वंडर ट्री मानती है, ईच पार्ट ऑफ द ट्री इज़ यूजफुल, ठीक है। बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, बाकी ऑप्शंस भी सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पार्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ट्री का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता, हर एक पार्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं वंडर ट्री। सो आई होप ये पैसेज आपको समझ में आया और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इनके आंसर्स आप ढूंढ पाए। इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिए और आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।